लगा के देख के कोई भी लोग कुछ बोल सकते हैं कि तुम बहुत बड़ा पंडित हो, मेरे हो, क्या होता है आजकल डॉक्टर के पास जाते साथ ही डॉक्टर बोलते हैं कि अंडा खाओ, वो तुरंत रिकमेंड करते हैं तुम ज्यादा ही बोल रहे हो, तो उनको हम तंग कर सकते हैं प्रेम से, चैलेंजिंग वे में नहीं प्रेम से तंग कर सकते हैं, नहीं ये चीज ऐसी नहीं है ऐसे, इसलिए हमें नॉलेज होनी चाहिए। हाँ आप तो पशु के साथ मानव है, यदि आप अपनी मानवता भुला देते हैं तो आप पशु हैं। अतः हम केवल पशु नहीं हैं, हम पशु के साथ मानव हैं। यदि हम मानवता के गुण को विकसित करते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण है, किंतु यदि हम पशुओं में रहते रहे तो हमारा जीवन अपूर्ण है। अतः हमें अपनी मानव चेतना अर्थात कृष्ण भावना को बढ़ाना है। यदि आप कृष्ण द्वारा प्रदत्त अनेक प्रकार की खाद्य वस्तुएं खाकर शांति पूर्वक अच्छे ढंग से रह सकते हैं तो आप किसी पशु का वध क्यों करें? इसके अलावा भी वैज्ञानिक दृष्टि से आपके दांत शाक खाने के लिए बने हैं, बाघ के दांत मांस खाने के लिए होते हैं, प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया है, उसे अन्य पशुओं को मारना पड़ता है, अतः उसके नखून होते हैं, दांत होते हैं, शक्ति होती है, किंतु आप में उतनी शक्ति नहीं होती है। आप एक गाय को बाघ की तरह झपट्टा मारकर नहीं खा सकते, आपको कसाई घर बनवाने होते हैं और आपको अपने घर पर ही बैठे रहना होता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति गाय की हत्या करता है तो आप अच्छी तरह खा सकते हैं। यह क्या है, आप भी बाघ जैसा कीजिए, गाय के ऊपर झपट्टा मारिए और उसे खाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप प्रकृति के नियम में विश्वास नहीं करते? मेरे विचार से प्रकृति का नियम हर एक पर समान तो, रूप से लागू होता है। तो यहाँ भी हम देख पा रहे कि साइंस जो अपनी बात बोल रही है तो प्रभुपाद ने वही बात बोला और डॉक्टर अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर एक तरफ तो बोलते हैं हमारे दांत ऐसे नहीं बने और दूसरी तरफ डॉक्टर नॉनवेज खाने के लिए हमें रिकमेंड करते हैं, तो वो अपनी बात पे विश्वास नहीं रहते हैं वो डॉक्टर, ये कहना चाह रही हूँ मैं। और दूसरा ये नॉनवेज का यहाँ पे आया था ना, वैज्ञानिक दृष्टि से आपके दादा हैं, ये प्रभुपाद ने यहाँ पे वैज्ञानिकों का नाम भी यहाँ पे डाला है कि वैज्ञानिक लोग ये बात कहते हैं कि हमारे दांत वैसे नहीं बने। ठीक है, दांत है, पाचन शक्ति है, हम वो डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते ना, और फिर मेनली क्या होता है वो डायरेक्ट रॉ खा सकता है, क्या हम रॉ फ्लेश खा सकते हैं? हम तो बनाएंगे, तेल डालेंगे, मसाला डालेंगे, जानवर कुछ करता है कुछ नहीं करता है। मटन वो डाइजेस्ट होने में 7 दिन लगता है, हम क्या स्वाद उसमें अपना ढूंढते हैं उसके बाद खाते हैं। लायन या टाइगर जो भी है तो डायरेक्ट फ्लेश खा रहा था, डायरेक्ट खा रहा है ना, और उसके बाद क्या हमारे जीवा में स्वाद है, 4 तरह के टेस्ट है ना, सॉल्टी, स्वीट, बिटर एंड सार, लेकिन जानवरों के जीवा में कोई टेस्ट नहीं है, उनका एक ही जैसा है। हमारी जीवा में अलग अलग तरह के स्वाद है ना, खट्टा, मीठा, नमकीन और 4 तरह का है, तो जानवरों के में कुछ नहीं है। तो अच्छा, मानव में और एनिमल में क्या डिफरेंट है, कौन बताए? तो हम जान सकते हैं कि हमारा क्या गोल है लाइफ में, भगवान को पाना, लेकिन जानवर ये बात नहीं समझ सकते।